हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यमी टमी किचन्स। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही सिंपल स्टाइल में चिकन कोरमा। बहुत फटाफट से बनकर तैयार हो जाती है और खाने में बहुत लाजवाब लगती है। चलिए शुरू करते रेसिपी। ये कुछ खड़े मसाले हैं चिकन कोरमा का, स्पेशली चिकन कोरमा का मसाला है। इंग्रेडिएंट सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखे हुए हैं। इन सारी चीज़ों को हमने मिक्सर ग्राइंडर में डालकर सूखा पीस लेना है। आप इस कोरमे के मसाले को स्टोर करके भी रख सकते हैं। इंग्रेडिएंट सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप वहाँ जाके चेक कर लेंगे। अभी एक कढ़ाई लेंगे, उसमें हम प्याज को अच्छे से ब्राउन कर लेंगे। इस तरीके से हमें प्याज ब्राउन करके निकाल लेना है। अब इसी तेल में हम 500 ग्राम चिकन डालेंगे। चिकन को डालकर हम इसे थोड़ा सा चला चलाएंगे, अच्छे से चलाएंगे। मीन्स चिकन की ये गुलाबी कलर वाइट हो जानी चाहिए। तो 2 से 4 मिनट हम चिकन को फ्राई कर लेंगे। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो ज़रूर से करें। मैं ऐसी इजी टेस्टी सिंपल रेसिपीज आप लोगों के लिए लाती रहती हूँ। देखिए, इस तरीके से जब चिकन वाइट हो जाएगी तो हम इसमें जो कोरमा मसाला प्रिपेयर करके रखे वो डालेंगे। उसमें 2 इलायची और 2 लौंग भी डाल दें। 1 टीस्पून के करीब कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, नमक और ये 1/2 कप मतलब 2 बड़े चम्मच दही है वो डाल दें और अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। इसमें और कोई मसाला हमें नहीं डालना, जस्ट कोरमा मसाला जो हमने प्रिपेयर किया था वो हम डालेंगे। और इसमें 1 टीस्पून अदरक और 1 टीस्पून लहसुन भी डालेंगे। वो रिकॉर्डिंग में यहाँ पे मिस कर दी थी मैं, तो वो भी डालेंगे। और इसमें पानी डालकर हम इसे 10 मिनट के लिए धीमी आंच पर छोड़ देंगे। 10 मिनट के बाद जब थोड़ा पानी सूखने लगेगी तब हम इसमें ये जो हमारे प्याज थे उन्हें हम बस मिक्सी में एक पल्स चलाएंगे दरदरा होने के लिए। बहुत ज़्यादा फाइन पेस्ट नहीं करना है, तो बस ये एक पल्स घुमा के हम इसे दरदरा सा पीस के इसमें डाल देंगे प्याज को। फिर अच्छे से हम इन सारी चीज़ों को मिक्स करके धीमी आंच पर छोड़ देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। और फिर ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगी। आप इसकी टेक्सचर देखिए, कितनी अच्छी, कितनी ज़बरदस्त दानेदार कोरमा बनकर तैयार हुई है। और इसमें कुछ भी तामझाम नहीं है, आपको बस फटाफट से मसाले डालने हैं और बना लेने हैं। तो दोस्तों, आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो ज़रूर फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करिए। और अच्छी लगी हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।